स्पेशली आरजीपीवी यूनिवर्सिटी वालों को मैं बता दूं, आप लोग का तो रिजल्ट आ ही गया है, सॉरी टाइम टेबल आ गया है। तो टाइम टेबल आ गया तो प्रिपरेशन उसी तरीके से करो। कितना पोर्शन मुझे, अब आप लगभग एक महीना बचा आपकी एग्जाम के लिए, तो एक महीने में एक परफेक्ट तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ो। तो अब सेशंस एप्लीकेशन पे होंगे, तो जो बच्चे हमारे पेड कोर्स में हैं वो बिल्कुल परेशान ना होइए। जो आपको वन शॉर्ट्स वीडियो मिल रही हैं, आने वाले टाइम पे आपको शॉर्ट में, जो ये अभी डीप लेक्चर चल रहे हैं वो तो अभी चलेंगे 15 दिन समथिंग चलेंगे, और उसके बाद बिल्कुल फास्ट रिविजन आपको करवा दिया जाएगा। तो वहां पे आपकी तैयारी और एक तरीके से अभी आप ये कंप्लीट कर लेंगे कोर्स, उसके बाद एक फास्ट रिवीजन करेंगे और मैराथन क्लासेस तो आपको मिलेगी, तो आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट करवा दी जाएगी। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है किसी भी बच्चे के लिए। चलिए तो एक बार मुझे बच्चों ये बता दो कि ये आपको समझ में आ रही है बात। हमने अभी लीवर और पेनक्रियास का वर्क देखा। लीवर का काम है बाइल जूस को रिलीज करना, पेनक्रियास का काम है कुछ सेल्स और कुछ एंजाइम्स रिलीज करना। लीवर सेल्स, जो पेनक्रिया है उसके अंदर जो एंजाइम्स है वो भी डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, और जो सेल्स हैं वो भी डाइजेशन में हेल्प करेंगी। लेकिन ये क्या करती है, ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करती, ये होम्योस्टेसिस में हेल्प करती है। ये दोनों सेल्स क्या करेंगी, होम्योस्टेसिस मेंटेन, ये होम्योस्टेसिस में मेंटेन करने का काम कर रही है। किस चीज को मेंटेन करने का काम कर रही है, जो होम्योस्टेसिस कंडीशन होती है उसमें बेसिकली जो तीन मेजर फंक्शंस होते हैं बॉडी के उनको मेंटेन किया जाता है। तो सबसे मेजर फर्स्ट फंक्शन है ब्लड ग्लूकोज लेवल। सबसे मेजर फंक्शन ब्लड ग्लूकोज लेवल। दूसरा मेन फंक्शन है वाटर लेवल। क्या बन रहे हो, दूसरा मेजर फंक्शन क्या है, वाटर लेवल, और तीसरा मेजर फंक्शन क्या है, बोलो, बॉडी टेम्परेचर। तो जिस बच्चे ने होम्योस्टेसिस लेक्चर पढ़ा होगा तो उसको मालूम होगा टेम्परेचर। तो होम्योस्टेसिस के द्वारा इन तीन कंडीशंस, बॉडी की तीन कंडीशंस को मेंटेन किया जाता है। उनमें से एक कंडीशन क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल। कौन किसके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, पेनक्रिया के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। पेनक्रिया के द्वारा कैसे, जो ये बीटा सेल्स हैं, अल्फा सेल्स हैं, वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। अगर घट रहा है तो बढ़ा रहे। अगर पढ़ा है कि नहीं या भूल गए। यहां पर अब एक और हम डायग्राम बना लें, और तो बस आओ, आ जाओ। तो यहां भी कुछ सीक्रेशन हो रहा है। सबसे बड़ा सीक्रेशन क्या हो रहा है, जब बोलस आ रहा है तो इस लेयर से, भाई चार तरीके की लेयर है, कौन बताएगा मुझे कौन कौन सी लेयर है, जल्दी एक बार बोलो। चलिए ठीक है, आप बी फार्मा लेवल का पढ़ो तो ज्यादा बेटर है। आप लोग को डीप पढ़ा दिया जा रहा है ना, तो शायद रास नहीं आ रही चीजें, बस ऊपर ऊपर का पढ़ना होता है। बस डाइजेस्टिव सिस्टम है तो पार्ट देख लिए, नाम स्ट्रक्चर बना ली, थोड़ा सा फंक्शन देख लिया, बस डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म। अंदर की चीजें क्यों पढ़नी हमें, बस ऊपर ऊपर का इतना पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी, और कुछ हमें पढ़ना ही नहीं। फिर जब 8000 की नौकरी मिलती है तो बी फार्मा बेकार है, जिंदगी बर्बाद हो गई, मुझे तो करनी ही नहीं थी, मैंने तो एडमिशन लेके ही अपना टाइम खराब कर लिया। फिर आप में नॉलेज ही नहीं होगा, बंदा क्यों रखेगा 30-50 हजार की नौकरी पे। फिर बाद में ये एक्सक्यूजेस मत देते रहना कि बी फार्मा ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, बेकार कोर्स है, कोई मत करना। फिर ऐसे ऐसे बच्चे कमेंट करते हैं इन चीजों पर उन्हें ये नहीं पता रहता कि गलती तो मेरी है, मैंने कुछ पढ़ाई ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं।
आप लोग ये क्यों नहीं चाहते कि मैं टॉपर बनना चाहता हूँ? है 5% बच्चे फार्मेसी में, मुझे ऐसे लगता है कि जो हाँ सच्चे दिल से फार्मेसी को कर रहे हैं और करना चाहते हैं, और बस वही निकल जाते फिर टॉप हो गए। 90% क्यों ऐसे हैं जिन्हें 8,000 की नौकरी मिल रही है? क्यों? सिर्फ और सिर्फ आप लोग की गलती के कारण। आप लोग ध्यान नहीं देते किसी चीज पे। कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही, बस उस चीज को रोना शुरू कर देंगे, कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही। अरे यार ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी से भी पढ़ लो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं लोग, तो उनसे पढ़ लो, फिर कॉलेज का रोना क्यों? कॉल्स आते हैं, मैम एग्जाम की तैयारी नहीं हो पा रही, जल्दी करवा दो, जल्दी करवा दो। अरे भाई जैसे चल रहा है वैसे तो चले, अपना टाइम देखो, सबका अपना अपना टाइम है और उस टाइम की अपनी अपनी वैल्यू होती है। जितने टाइम की वैल्यू आप खुद कर रहे हो अपने लिए, उतने टाइम का पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वैल्यू बस इस चीज को दे रहे हो, एग्जाम देना है बस, पास हो जाना है, थोड़े से ठीक ठाक नंबर आ गए बस, उस डिग्री का कोई मतलब नहीं है जिस डिग्री में आपकी नॉलेज ऐड ना हो। दिखा है तो सीरियस लो चीजों को। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे सीरियस नहीं लेते। अगर हम अभी भाई एक कॉमन सी चीज सोचो ना, आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता तो अभी यहाँ लाइव में बहुत सारे भर भर के लोग आए रहते। अगर रेलवे फार्मासिस्ट की हम तैयारी करवाते, जीपैट की तैयारी करवाते या गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी करवाते, तो अभी लाइव में इतने सारे बच्चे जुड़े होते। सेमेस्टर्स की है, कर लेंगे, हो जाएगा बस, ये आपकी मेंटलिटी बन चुकी है। अगर सेमेस्टर्स को ही आप कॉम्पिटेटिव की तरह ही तैयार करो तो सेमेस्टर्स में भी 90+ और कॉम्पिटेटिव की तो हो ही जानी है तैयारी। ये डीप अंदर तक चीजें हम लेयर्स भी बता रहे हैं और ये भी निकल रहा है, वो भी निकल रहा है, सारी चीज बता रहे हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना। बच्चों का टारगेट है, अगर मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया, ये रट लिया मैंने स्ट्रक्चर, उसके नाम लिख लिए, बस उसका फंक्शन लिख लिया, खत्म, यूनिट खत्म, बस पढ़ लिया। क्यों ऐसी मेंटेलिटी बना रहे हो आप लोग? बताओ, अभी एक बच्चा बोल रहा मैं फर्स्ट यूनिट की रिवीजन करवा दो। 20-25 दिन तक एक ही यूनिट तक पढ़ा, एक ही यूनिट में पढ़ाया, उसमें घुस घुस के पढ़ रहे थे। अभी तक तो जिसने भी लेक्चर देखे होंगे ना उसको भी रट गई होगी यूनिट फर्स्ट। बताओ क्या कहूं मैं अब? लगता है ना डिमोटिवेट सा कि बच्चे अगर रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, हम मेहनत करते जाए करते जाए, वैसे तो हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पैसा आ रहा है, है? इसलिए मेहनत कर रहे हैं। अगर पैसा मोस्ट, हाँ पैसा सबके लिए जरूरी है, अगर हमें पैसा ही चाहिए होता तो आपको कॉल्स, जितने भी हमारे पेड कोर्स के बच्चे हैं तो उनसे आप पूछ भी सकते हैं, जो फ्री वाले भी वीडियोस देख रहे हैं उनसे पूछ सकते हो, उनके पास एक एक बच्चे के पास कॉल जाता है। पढ़ाई अच्छी चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बाय कॉल भी आप पूछ सकते हो, सारी सुविधा दे रखी है। अगर सिर्फ पैसा ही कमाना है तो पैसा तो बहुत आ रहा है, पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर भाई आप लोग को कुछ बनाना है तो हम डेली आपको इसी तरीके से मोटिवेट करते रहेंगे और डांटेंगे भी जरूर, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने लाखों लाखों रुपए देके आपको फार्मेसी कोर्स करवा रहे हैं। कहीं भाई बहुत कितनी मेहनत से आपके पेरेंट्स इन पैसों को इकट्ठा कर रहे होंगे, बेचारे कॉलेज में इतनी फीस भर रहे हैं, और वहां आप ये बोल दो कि पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, तो ये सरासर अपने माँ बाप को और खुद को एक्सक्यूज देना है कि मैं उन्हें बस एक्सक्यूज दे रहा हूँ कि मेरे कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा। 70 कंटेंट पढ़े हैं यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो, अगर आपके पास पैसा भी नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो। दो दो सब्जेक्ट की हमने भी यहाँ लाइव क्लास चलवा रखी है, ये पढ़ो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो। लेकिन नहीं ना, बस वही कुएं के, क्या बोलते, कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे, चार लोग ने कह दिया पास हो जाएंगे हम तो बस ऐसे ही लिख के एक दिन, हाँ और तो कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं, दो दिन पढ़ेंगे एग्जाम से पहले पास, पास को ऑफिशियल नंबर, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज के लिए आप कॉल कर सकते हो, पढ़ाई से रिलेटेड भी नहीं, आप डिप्रेस्ड हो, आपको कोई प्रॉब्लम है आप कर सकते हो, कहीं ना कहीं तो अपनी भड़ास निकालनी पड़ेगी ना, कॉल करके हमें ही निकाल लो, हम भी आपके फ्रेंड है, टीचर नहीं है,
और जब फ्रेंड से एक फ्रेंड वाली बात होगी ना तो लाइन में लगे हुए, क्या सोच रहे हो ये समझ में नहीं आ रहा, बस इसलिए थोड़ा सा करना पड़ता है आप लोग को थोड़ा टाइट टाइट। तो वैसे मैं कभी किसी को डांटती नहीं, पुनीत सर का अगर आपने डांटना सुन लिया तो पुनीत सर आपको, जो बच्चे जानते होंगे तो मालूम ही है उनका गुस्सा कैसा है ना। चलो जी फिर से आते हैं, हम कहां थे, शांत शांत शांत, खून खोल जाता है ये वर्ड सुन के, क्योंकि बच्चों के कमेंट भर जाते हैं यूट्यूब पर बी फार्मा करके जिंदगी खराब हो गई मेरी, तो ये सोच सोच के मेरा भी दिमाग खराब है कि भाई इतना सारा स्कोप है, इतने पैसे लोग कमा रहे हैं बी फार्मा करने के बाद, कर रहे हो ओके इन्वेस्ट करो, टाइम बर्बाद वाला इन्वेस्ट मत करो, गर्लफ्रेंड बनाओ बॉयफ्रेंड बनाओ कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत हम ये बोल रहे हैं, लेकिन जो आपका मेन टारगेट है कभी उस टारगेट से भूल, उस टारगेट से भटकना नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हो, भटक गया मैं तो, बस मुझे एक ही लाइन दिख रही है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा बॉयफ्रेंड मुझे तो आज वहां जाना है, और बहुत सारे लोग तो पेरेंट्स से तनी झूठ बोल बोल के कहां कहां जाते रहते हैं, बस उसी प्लानिंग में उनका पूरा दिन चला जाता है, पढ़ाई गई भाई स्कूल हो जाएंगे। चलो आओ वापस वापस पॉइंट पे आते हैं, तो बेसिकली इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो आपको अभी पढ़ना है, फिलहाल आपको इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मेन दो फंक्शंस पढ़ने हैं, पहला डाइजेशन दूसरा एब्जॉर्प्शन, लिख लो यहाँ पे, पहला आपको डाइजेशन पढ़ना है ओके जी, दूसरा आपको एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन पढ़ना है ठीक है जी, ये दो तो आपको याद रखने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, डाइजेशन मतलब खाने को पचाना, और पचाने के बाद क्या करना है भाई, हमारा फूड है, फूड से हमने क्या लिया, हमने फूड से न्यूट्रेंट लिया, न्यूट्रेंट लेने के बाद उसको क्या किया, उसको किया एब्सॉर्ब, एब्सॉर्ब करने के बाद क्या किया, उसको किया हमने सप्लाई, कहां पर, पूरी बॉडी के अंदर, तो पूरा मैकेनिज्म किस पर टिका हुआ है, एब्जॉर्प्शन पे, डाइजेशन पर एब्जॉर्प्शन पर, इन दोनों दोनों बेसिस पर ये आपका न्यूट्रिशन टिका हुआ है, इस न्यूट्रिशन को हमें सभी के सभी ऑर्गन्स में देना है, ब्लड वेसल्स के थ्रू दिया जाएगा, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लड वेसल्स फैली हुई है, और उन ब्लड वेसल्स के थ्रू ही हमारे न्यूट्रिशन हमारे आयंस विटामिन ये सारे के सारे जाते हैं, हर एक ऑर्गन को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम मेन पार्ट है, क्योंकि यहीं से हम खाना खा रहे हैं और उस खाने से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और उस न्यूट्रिशन को ये एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहे हैं, बात यही है, हाँ जी यही है, तो इस स्टमक के अंदर HCl रहता है, HCl एसिड, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट है, अगर आप इसकी ये लेयर देखोगे, लेयर कितनी टाइप की बनी हुई है, ये पूरी की पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है ये एक ही ट्यूब है, और इस ट्यूब की चार लेयर है, बता चुके हैं कौन कौन सी, म्यूकस सब म्यूकस मस्कुलर लेयर और सेरस, सबसे बाहर वाली लेयर का क्या नाम है, सेरस, यही बना दूं या नहीं, बना दो क्या दिक्कत जा रही है, ओके सबसे बाहर वाली लेयर हो गई जिसका नाम है सेरस, उससे अटैच जो लेयर है उसका नाम मस्क्यूलर लेयर, ठीक है ये मस्क्यूलर लेयर हो गई, उसके अंदर वाली लेयर का क्या नाम है, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल पे है, कभी आप सोचो बस स्टमक में बना दी तो स्टमक में ये नहीं, यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां सब जगह है, सब म्यूकस सब म्यूकस और सबसे अंदर वाली लेयर का क्या नाम है, सबसे अंदर वाली लेयर है जी म्यूकस, ये लो ये बन गई, ये क्या है म्यूकस,
अब हम स्टमक में अगर म्यूकस को देखें, इस स्टमक के अंदर अगर म्यूकस को आप देख रहे हो तो इसमें जो म्यूकस लेयर है, ये आपकी म्यूकस लेयर कुछ इस तरीके की होती है ना, ये म्यूकस लेयर हो गई और ये सब म्यूकस, दिस इज सब म्यूकस लेयर और ये है म्यूकस अंदर वाली। तो इस म्यूकस लेयर पर जो स्ट्रक्चर बनी हुई है वो सिंपल स्ट्रक्चर बनी हुई है कुछ इस तरीके की। ये है नॉर्मल कोल्यूमिनार सेल, नॉर्मल कोल्यूमिनार सेल से ये बनी हुई है, नॉर्मल कोल्यूमिनार ईसोफेगस से आ चुका है, स्टमक में घुस चुका है। स्टमक में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इस बोलस को डाइजेस्ट करने में मदद करेंगे, उन एंजाइम्स का नाम कौन बताएगा जो स्टमक में एंजाइम प्रेजेंट है, कौन बताएगा जल्दी बोलो। और इसमें सिन एंजाइम, तो इससे जो एंजाइम्स हेल्प कर रहा है वो कर रहा है ट्रिप्सिन एंजाइम, ये यहाँ पे मदद कर रहा है। और जो ये बाइल जूस इस लीवर से निकल रहा है, अगर यहाँ प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो रही है, बाइल जूस की जरूरत है, तो यहाँ पर रिलीज होके वो डाइजेशन में मदद करेगा। अगर नहीं जरूरत है बाइल जूस की तो ये गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। चलो अगर बाइल जूस की जरूरत है तो यहाँ पर डाइजेशन शुरू हो जाएगा। अब सब इनने भी मदद कर दी, स्टमक में जो एंजाइम्स थे उनने भी मदद कर दी, बहुत सारे लोग इसमें हेल्प कर रहे हैं। अब आई स्मॉल इंटेस्टाइन की बात, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा मॉलिक्यूल या हमारा बोलस पहुंच चुका है। तो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब में पहुंचा तो हम इसकी ट्यूब की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बना लो। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको रफ कर दूं क्या, चलो यही बना लेते हैं। ये वाली ट्यूब है, ये वाली ट्यूब है और ये वाली ट्यूब है, समथिंग लाइक दिस, ओके। ये स्टमक के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, ध्यान से देखो, ध्यान से देख लो, ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो ये जो हमने बनाया है ये है सब म्यूकस लेयर, सब म्यूकस लेयर, और ये ऊपर हमने कौन सी लेयर बना दी, ये बना दी म्यूकस लेयर। अब समझो बात को, ये जो सेल्स है, ये जो सेल्स है इनका क्या नाम है। तो यहाँ स्टमक के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो है कौन सा जी, पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। और ये क्या करता है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनेगा, अमाइनो एसिड्स बनेंगे ना। अगर आप प्रोटीन खा रहे हो, दाल में बहुत प्रोटीन होता है, तो जब इस प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े करे जाएंगे तो उसमें अमाइनो एसिड की चेन आपको मिलेगी। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किसके हैं, अमाइनो एसिड्स के। तो जो ये पेप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, राइट, और इसको इस लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हमने क्या देखा, हमने देखा स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट रहता है, HCl इन लेयर से रिलीज करता है, जो आपके चार लेयर है इन्हीं में से रिलीज होता है HCl, और जब बोलस एंट्री करता है तो भाई अब 24 घंटे तो इसमें HCl प्रेजेंट नहीं रहता स्टमक के अंदर, जब आपको भूख लगती है तब ये HCl रिलीज होता है, और ये जो बोलस है इस HCl भाई एसिड है तो चीजें तोड़ेगा, तो HCl इस बोलस को और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा, बहुत छोटे छोटे हिस्से कर देगा, उसमें स्टमक के एंजाइम्स इसको हेल्प करेंगे और तोड़ने में। अब ये यहाँ इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं डियोडेनम, ये है डियोडेनम, ये लीजिए,
इससे पहले यहाँ पर एक स्पिंचर प्रेजेंट है, मतलब एक गेट टाइप का बोल सकते हो, ऊपर एक गेट टाइप का बोल सकते हो। यहाँ स्टमक के ऊपरी साइड भी स्पिंचर लगा हुआ है। कहाँ लिख दू, यहाँ लिख दू, स्पिंचर। कौन सा स्पिंचर है? ईसोफेगियल स्पिंचर, या फिर हम इसको ईसोफेगियल वॉल भी बोलते हैं। बोलस आया और ये बंद, क्योंकि एचसीएल है तो ये ऊपर अगर जाएगा तो एसिडिटी कोज करेगा, जलन कर देगा आपकी ईसोफेगस में। तो यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है, उसी तरीके से यहाँ भी एक गेट लगा हुआ है। ये कौन सा है? डियोडिनम स्पिंचर। तो ये पूरा इतना सी टाइप का आपका क्या है? डियोडिनम, डियोडिनम, ठीक है। और ये स्पिंचर का क्या नाम है? डियोडिनम स्पिंचर। तो जो बोलस है वो और छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट चुका है, अब वो आगे कहाँ पे आ रहा है? ये गेट ओपन होगा और डियोडिनम में एंट्री कर जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ आगे आ जाओ। एक सेकेंड, ये बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा? डियोडेनम में क्या हो रहा है? यहाँ भी डाइजेशन हो रहा है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो पेनक्रियास से एंजाइम आ रहे हैं। पेनक्रियास से कौन सा एंजाइम आएगा? ये क्या है? ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनार सेल। अब ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनार, और ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विलाई। ये सारी चीज मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन समझाने के तौर पे आपको बताना पड़ेगा डाइजेशन कहाँ हो रहा है। अब जो ये वाला पार्ट है जो नीचे झुका हुआ है, यहां से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन भी डाइजेशन में मदद कर रही है ना। तो यहां से कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे और वो भी डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो अब मुझे ये बताओ, स्मॉल रिलीज हो रहे तो यहाँ लिख लो कौन से एंजाइम्स है? लाइपेज, माल्टेज, चलो दो ही लिख लेते हैं, माल्टेज। तो ये एंजाइम्स यहाँ पर हेल्प करते हैं। तो जो आपका बोलस है वो मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका, तो इसे मिटाओ। ये बोलस स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, ठीक है, ये डाइजेस्टेड फूड है। दिस इज द डाइजेस्टेड फूड। अब ये डाइजेस्टेड फूड क्या कर रहा है? ये जो सेल्स है इसमें एंट्री करता है डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। कौन सी सेल्स है? ब्रश बॉर्डर सेल, और यहीं पर प्रेजेंट होते हैं आपके ब्लड वेसल्स। प्रेजेंट कहां से निकल रहे हैं? ये निकलते हैं सब म्यूकस लेयर से, ठीक है। और एक और चीज बना ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो थोड़ा मोटा कर लेते हैं। अब समझो मेरी बात को, जैसे ही डाइजेस्टिव फूड इस सेल के अंदर गया, इस सेल ने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लिया। भाई एंजाइम्स यहां से इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, डाइजेशन में मदद कर रहे हैं। अब ये इस सेल के अंदर गया और सेल ने लिमिटेड चीजों को, जो न्यूट्रेंट चीजें थी उनको एब्जॉर्ब कर दिया। कहां पे? ये है ब्लड वेसल्स, दीज आर ब्लड वेसल्स। रुक जाओ, कहां लिख दूं? ये क्या है? नहीं, मिटना नहीं, क्या बन रहे हो, एक सेकेंड भाई। ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स है, और न्यूट्रिशन को ब्लड वेसल्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए। पहले ये सेल्स ने इसको एब्जॉर्ब किया और इन सेल्स ने इन ब्लड वेसल्स में फॉरवर्ड कर दिया। अब अगर जो फैटी एसिड्स आ रहे हैं, अगर फैटी एसिड इसमें ज्यादा है तो ये फैटी एसिड्स भी इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, लेकिन वो ब्लड वेसल्स में नहीं घुस पाएंगे, ठीक
इतने बड़े उनके मोलिक्यूल्स होते हैं, वो ब्लड सेल्स में घुस ही नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं, इन व्हाइट वाले में एब्जॉर्ब करवा दिए जाते हैं, इन व्हाइट वाले को दे दिए जाते हैं। ये क्या है, ये है लिम्फ वेसल्स। तो लिम्फ वेसल्स क्या करते हैं, फैटी एसिड्स को स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पर है ना, देखा भाई, स्टमक भी एंजाइम से डाइजेस्ट करवा रहा है, यहाँ भी ये भी मदद कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है। तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बताओगे, इसका मेन काम क्या है, एब्जॉर्प्शन का, और यहाँ ये कुछ एंजाइम्स को रिलीज करके इस लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का रीअब्सॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जो वाटर बच जाता है तो यहाँ पर वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होके स्टूल बाहर निकल जाता है, मतलब वेस्ट अनवांटेड मटेरियल जो हमें चाहिए नहीं, जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है ना, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है तो बताएंगे, बात क्लियरली समझ में आ रही हो तो। चलिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार लेक्चर को फिर से देखना। हाँ जी बिल्कुल सनी पवार, 90% एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, वेरी गुड। किसी को समझ में नहीं आया तो लेक्चर फिर से देख लेना, स्किप कर देना जहां मैंने भाषण दिया था आप लोग को, उस पार्ट को स्किप करके फिर देख लेना, ठीक है। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे खत्म, मिलेंगे फिर कल, सो टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।